झरिया चास नाला मोतीनगर में नमिता देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खास वजह सेल प्रबंधन और जोसेफ कंस्ट्रक्शन केके कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार की मिलीभगत से चासनाला वासी में आदर्श आचार संहिता का भरपूर फायदा प्रबंधन और ठेकेदार ले रहे हैं। कुछ महीनों में या कुछ दिनों में जो भी बोलिया आए दिन आपको चासनाला वासी में नया चेहरा दिखने को खूब मिल रहा है। इधर जनता मजदूर संघ महिला मोर्चा नमिता देवी और सेल प्रबंधन के बीच हुए समझौते जिसमें मोती नगर के विस्थापित 50 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की सहमति हुई थी। प्रबंधन हम विस्थापित हरिजन परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी चासनाला वासी में प्रबंधन और जोसेफ कंस्ट्रक्शन केके कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के द्वारा बहाली का सिलसिला जारी है। हम लोग सभी मोती नगर विस्थापित परिवार हरिजन समुदाय से आते हैं। सेल प्रबंधन और जो सब कंस्ट्रक्शन प्लस के कंस्ट्रक्शन का जो मिली वगैरह से जो खेला जा रहा, अचानक से लड़के को जो बहाली किया जा रहा, उसी विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे। क्या क्या मांग है? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आज का जो खास ये दिन हम लोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खास वजह सेल प्रबंधन और जोसेफ कंस्ट्रक्शन प्लस के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारी के मिली भगत से चासनाला वासी में आदर्श आचार संहिता का भरपूर फायदा दोनों मिलकर उठा रहा। कुछ महीने बोलिए या कुछ दिनों से बोलिए, आए दिन आपको चासनाला वासी में हर दिन नया चेहरा देखने को मिल रहा, खूब मिल रहा। इधर 8/9/2018 में जनता मजदूर संघ महिला मोर्चा और सेल प्रबंधन के बीच हुए समझौते जिसमें मोतीनगर के 50 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की सहमति हुई थी, जिसको बार बार प्रबंधन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार, लगातार 6 वर्षों से जनता मजदूर संघ महिला मोर्चा आपका आंदोलन करते आ रही है लगातार, लेकिन इसके बावजूद भी प्रबंधन हम विस्थापित हरिजन परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ पे जितना भी बस्ती है ना, और जितना भी विस्थापन हम लोग को किया गया है मैनेजमेंट के थ्रू, हम लोग सब यहाँ पे हरिजन का गिनती में आते हैं। उसके बाद अभी चासनाला वासी में प्रबंधन और जोसेफ कंस्ट्रक्शन प्लस केके कंस्ट्रक्शन ठेकेदार की बहाली द्वारा सिलसिला अभी तक जारी है। और फिर हम लोग सभी विस्थापित परिवार हरिजन समुदाय से आते हैं, आदर्श आचार संहिता का पालन भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग ये उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं, जो सरकार का आदेश है उसी में हम लोग निर्धारित है। क्योंकि जब बोला गया कि आप इस बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हम लोग का हाथ बंधा हुआ है, हम लोग खाली देख रहे हैं कि मैनेजमेंट और ठेकेदार यहाँ पे मिल के मनमर्जी काम कर रहा, लड़का आए दिन पूरा वहाँ पे बहाली ले रहा अपने मन से। हम लोग को जबकि 50 आदमी का एग्रीमेंट किया है, ना मैनेजमेंट बात किया, ना ठेकेदार बात किया कि आप लोग का भी रखा लड़का रखेंगे, लड़का रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं, मनमर्जी काम कर रहा। और जब हम लोग मैनेजमेंट से ठेकेदार से पूछ देंगे सेल प्रबंधन से, तो उनका एक ही जवाब है कि आप लोग को जो करना कर लीजिए, हम लोग आपका बात नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब आचार संहिता का फायदा उठा रहे हैं, यही चीज है ना। और हम लोग भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं सेल प्रबंधन को, आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग विशाल आंदोलन करेंगे कोलियरी में, चक्का जाम से लेकर पूरा वासी का चक्का जाम कर देंगे। ये मजाक में ना ले। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जोसेफ कंस्ट्रक्शन के मालिक संजय थोनी प्लस के कंस्ट्रक्शन के मालिक सिद्धेश्वर महतो, दोनों से मेरे बातचीत हुई। किसी का साला आ रहा है, किसी का बहनोई आ रहा है, कोई डिगवाड़ी से है, कोई सिंदरी से है, कोई आपका मोदीडी से है, सब बाहर का आदमी, कोई फल्ला। हम लोग कहाँ जाएंगे? 75% आरक्षण कहाँ किया हम लोग का? किस लिए? ये दिन सुनने के लिए, ये दिन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट बैठा है।
हम लोग जो हम लोग आँख के सामने गलत हो रहा है वो तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का पालन करते करते हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आपका जो खास ठेकेदार है जोसेफ कंस्ट्रक्शन के संजय अंथोनी और आपका के कंस्ट्रक्शन के आपका सिद्धेश्वर महतो है, उनका जो जो रिलेशन में जितना भी रिलेटिव आया, जितना रिलेटिव में आदमी आया है उसका, वो सब मैनेजर के पोस्ट में है। जैसे कोऑपरेशन में चल गया और बेल्ट ऑपरेटर हो गया, आपका फॉरमेनिंग कर रहा, ये कर रहा, समझे ना। और आदर्श जो भी है, जो भी आदमी है वो सबके साथ में, वो सब भी जैसे मैनेजमेंट और या ठेकेदार सब सोतेला व्यवहार करती है। इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, ये वो, अपना आदमी कुछ भी करे, ठेकेदार का अपना भाई भतीजा। मेरा परिचय हुआ थोड़ा सा और एक मिनट, सबका एक ही रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 को रेट देता है किसी को। वही मैनेजमेंट, वही आपका सिद्धेश्वर महतो है, रोपे में आदमी जो खटवा रहा है उसको 350 रुपया देता है, उसको 350 रुपया देता है। और हम लोग उसका विरोध करने गए तो बोल हम समझेंगे 350 रुपया में हम खटा रहे हैं तो मरेगा हरा के फंसेगा, सेल प्रबंधन फंसेगा कि कौन फंसेगा। नौकरी उसको देना है, उसको नौकरी उसको देना है, पर चारों तरफ चार रकम का मतलब ये आपका जो दिन भत्ता है, डेली का हाजिरी है, उसका अलग अलग करके डिवाइड करके दिया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? परिचय दीजिए थोड़ा सा। और एक चीज, पुराना प्लान में 6 आदमी है, रोपे में 6 आदमी है, रो कॉल कंस्ट्रक्शन में आपका 6 आदमी है, ये टोटल आदमी नया बहाली हुआ है, ठेकेदार और सेल। देखते हुए कोलियरी में आंख से आंसू आता है, ये धूल हम लोग खाते हैं, बगल में देखिए कोलियरी है, रात में वैसे चलता हम लोग को नींद भी नहीं हराम होता है, लेकिन किस वजह से ये मेरा बाल बच्चा का रोजी रोटी मिले, हम बर्दाश्त किए तो क्या हुआ, अगला चल के मेरा भविष्य ठीक है। लेकिन हम यही बात मेजरमेंट को कल बोलने गए कुरील साहब को, तो कुरील साहब हमको बोलता है नाम बता दीजिए कौन कौन कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो हम क्यों नाम बताए, तो कि आप तो मिली भगत है, सब काम तो आप ही करवाते हैं, जब आप कोलियरी इंचार्ज हो सकते हैं तो क्या आप देख नहीं सकते हैं कहाँ से कौन आता है क्या करता है, सब तो उन्हीं को खेला। लेकिन हम लोग इसीलिए बांधे हुए हैं, आचार संहिता है, इसी को हम लोग सम्मान करते हैं, इसी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन बोलते हुए आदमी को तो बात तो कुछ रखना तो चाहिए मेजरमेंट को, या तो उनको भी तो कहना चाहिए जब बाहर बाहर से इतना उतना आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ सब मोती नगर को लड़का रखते, जो कि आप लिख दिए हैं, जो कि आप उसमें अगर मेट किया है उसमें से कुछ अगर 5-5 लड़का अगर मेरा होता ये मेरा बस्ती पूरा एकदम हो जाता, लेकिन मेजरमेंट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। देखते हुए हम देखा कर रहे हैं, क्यों भीड़ बात हम लोग से क्यों कर रहा है मेजरमेंट, सोतेला व्यवहार कर रहा है, ये तो ये बगल में सांप बिछो सब कुछ आ जाता है, बगल में नदी भी है, बोला सब कुछ आप लोग भरा पूरा करेंगे, बेरोजगार को हम रोजगार देंगे, यही सेल प्रबंधन, लेकिन किया क्या, 50 रुपए का अगर मैं देकर देते हुए तो अभी भी 6 साल होने लगा, एक भी लड़का उसमें से नहीं जा रहा, बात क्या है। इसी वजह से हम लोग आज जमा करेंगे, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये दुख सुनते हो रह नहीं पाते, आंख में देखते हो आंसू गिरता। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है नमिता देवी। क्या हुआ पर? सचिव।